नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के जाफरपुर में मामूली बात को लेकर दो गुटों में संघर्ष हो गया और दोनों तरफ से ईंट पत्थर चलने लगे, जिसमें कई की घायल होने की सूचना मिल रही है। घटना की सूचना पाते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर हालत को नियंत्रण में कर लिया है। घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है और स्थिति को देखते हुए मौके पर फोर्स तैनात कर दी गई है। सुनवाते हैं एक पीड़ित महिला की बात। क्या नाम है आपका? दीपा। कहाँ घर है आपका? जाफरपुर थाना सिधारी। क्या मामला है कि आज यहाँ पर आए हुए थाने पर? मामला यही था सर, जो है पांडे जो है कुर्बान का ये लड़का जो है हमारे घर आया दोपहरिया में, जो है कहा कि तुम किसी से कोई बात कही हो। तो मैंने कही कि मुझसे क्या मतलब है तुमसे, तुम अपने घर देखो, मैं अपना घर देख रही हूँ, मुझसे तुमसे क्या मतलब है। तब तक कहा कि जो है गोलुआ बताएगा, मैं जो है कि मेरे बिरादरी का लड़का पिंटू का लड़का है उसके पास गई। तो कहा कि मैंने कही क्या रे, मैं तुमसे क्या कही हूँ। तब तक कहा कि कुछ नहीं, मैं तो नहीं कुछ कहा, बस इतना ही में जो है कि बात विवाद करते करते पाणे ने मुझे खींच लिया, तो मैं भी उसको ढकेली, उसकी माँ आई लेकर के जा रही थी। तब तक जो है उधर से पाँच छः घर के लोगों का सभी लोग मिल करके लाठी डंडा, लाठी डंडा लेकर आपको मारने के लिए आए, तो वो लोग कुछ भी जाते नहीं थे। सब मुसलमान पार्टी हैं। अच्छा। और उसके बाद मैंने जब ये देखा कि जब बात विवाद होते हुए सूचना आपने थाने को दी, कोई कार्रवाई हुई? अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, मगर साहब लगे हुए हैं। आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ सर कि मुलजिम जितने हैं पाँच छः घरों को सबको गिरफ्तार कर सकें। कोई पुरानी रंजिश? पुरानी रंजिश हमारी उनसे कोई नहीं है सर। हाँ, नाम बताइए। नाम मैं पाड़े तो पहला नंबर है साहब, यही झगड़े का घर है, गुडाऊ है उसके घर के राजा है, सोना है और गुडाऊ है, गलई है, पतेली, यही सब। हाँ, यही पाँच छः घर के लोग हैं सर।